तैमूर साहब, आप लोग तो चाहते ये थे कि इलेक्शंस हो जाएं, ये हुकूमत चली जाए, ये हुकूमत भी चली गई, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, अब इस पूरी सूरत हाल में शिकवा शिकायत क्या है आपका, एतराज़ क्या है बुनियादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है अरबाब भाई कि हम पीटीआई इतना गुल्ली डंडा वाली पार्टी नहीं है, हम सियासी पार्टी है, हम बातें जब करते हैं वी मीन इट, हम डिमांड्स रखते हैं वी मीन इट, हम ऑफर देते हैं तो उस टाइम पे भी मीन इट। हमने इनको 12 दिन का टाइम पीरियड दिया था कि आपके पास 12 दिन हैं, आपके पास 10 दिन हैं, आप मुस्तफ़ी हो जाएं, आप हक खो बैठे हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्ट्री का, ये और इसका 40 चोरों का जो करप्ट टोला था उसको दुनिया ने देख लिया था, चाहे वो फराह गुजर के केसेस हों, जब हम देखते थे कि रॉयल्टीज़ की तरफ से जो घड़ियाँ गिफ्ट मिल रही हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही हैं, जब अलीमा बाजी का अकाउंट अरबों रुपए से फुल होता था और बताती थी मैं कपड़ों को सी के और ये पैसे कमाती हूँ, जब इमरान खान का इनकम टैक्स जो है वो 2 लाख को छोड़ के और 98 लाख रुपीज़ पर चला गया, तो हम ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो क्यों इमरान खान ने तब हमें चैलेंज किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हो तो ला के दिखाओ, तो हमने तो खान के कहने पर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जब हम लेके आए उन्होंने कहा जी हिम्मत है तो आके असेंबली में पेश करो, हमने असेंबली में पेश कर दिया, फिर उन्होंने कहा हिम्मत है तो फिगर्स पूरे करके दो, 172 का फिगर करके दो, हमने तो इनकी धांधली और इनकी हरकतों के बावजूद 197 पे पहुंचा दिया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल, मुझे उम्मीद है कोर्ट से, क्योंकि हर कानूनी माहिर जो है मेरे भाई को इंक्लूड करते हुए जिन्होंने बहुत ही अच्छा भी तबसरा दिया लीगल बात की, उस तरह से हम भी ये उम्मीद रखते हैं, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पाकिस्तान की उम्मीद रखती है कि सुप्रीम कोर्ट ये नंबर फिर से आपको शो करने की नो कॉन्फिडेंस के थ्रू मौका देगी, और उसमें आप देखेंगे 192 197 नहीं, हम 200 से भी क्रॉस कर जाएंगे। हाँ। बहुत से लेकिन इस नंबर पे तो हुकूमत को एतराज था, इसके तरीके कार पर उन्हें ये तो एतराज था कि ये बैरूनी मुदाखलत है, ये बैरूनी इशारा है, उस इशारे पर यहाँ के कैरेक्टर्स हरकत में आए, मुतारिक हुए और फिर बड़ी बड़ी ऑफर्स के जरिए इन मुनर फरकान को और इत्तेहादियों को अपने पास लेकर गए। अरबाब साहब, जो शख्स आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अगर आप अकाउंट्स चेक करें और देखें कि उनको कहां से क्या क्या पैसे मिले हैं, यहूदी लॉबी से क्या मिला है, इंडियन लॉबी से क्या मिला है, जो कि मशहूर पट्टू है ज्यू लॉबी का, तो ये बातें आवाम देख रही है, ये बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ इनका ये एक केस की जो है आप सुन लें कि इनको क्या सज़ा मिलती है, आप देखेंगे इनके साथ होना क्या है, ये कहाँ कहाँ से पैसे, कितने मुल्क दुश्मन लोगों से ये पैसे लेके बैठे हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर से ये पैसे लेके बैठे हैं फंडिंग के नाम पर, वो खुलने वाला है, अब तो चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात है, तो ये हम पे इल्ज़ाम ना लगाए, हम तो ओपन ऑफर दे रहे हैं। अरबाब साहब, आपने इतनी बड़ी बात की कि हम जो हैं मुल्क के दुश्मन हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये हमारे जज साहिबान को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक जुडिशल कमेटी बननी चाहिए, वो फैसला करे, क्योंकि फिर आर्टिकल 6 या हम पे लगता है या उन पे लगता है, अगर हम मुल्क के गद्दार हैं तो हमें फांसी मिलनी चाहिए, और अगर इमरान खान ने ये झूठ बोला है, उसने खिलवाड़ किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसके साथ डिप्टी स्पीकर को और वो सब जो इसमें मुलव्वस थे फहद चौधरी को, उन सबको फांसी लगनी चाहिए। ठीक है, अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।